पैसा डबल मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 10 करोड़ रुपए के साथ 11 लोग गिरफ्तार। बालाघाट जिले सहित पड़ोसी राज्य में बहुचर्चित तो हो चुके लांजी और किरनापुर क्षेत्र में कम समय में राशि दोगुना करने के मामले में पिछले कुछ दिनों से लगातार बालाघाट में चर्चाएं सुर्खियों में बनी हुई थी तथा चारों तरफ नगर व जिले के तथा आसपास के जिलों में भी रुपए डबल करने के मामले में आतुरता के चर्चे सुनाई दे रहे थे। इसी दौरान अचानक मीडिया में भी यह मामला सुर्खियों में आता चला गया तो वही राशि डबल करने के नाम पर एक दो आरोपियों के फरार होने की किस्से भी सामने आए, जिसके बाद बालाघाट जिला पुलिस इस मामले में सतर्क हो गई तथा मुख्यमंत्री ऑनलाइन में की गई शिकायत के बाद पुलिस द्वारा तत्परता से कार्रवाई करते हुए 10 करोड़ रुपए नगर राशि के साथ 11 लोगों को गिरफ्तार कर आरोपी बनाया गया और पूछताछ के बाद सभी आरोपियों को माननीय न्यायालय में पेश किया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत सरकार के अनियमित जमा योजना प्रतिबद्ध अधिनियम 2019 की धारा 21(1) एवं 21(2) के तहत तीन मामले में मुख्य सोमेंद्र कंकराय ने हेमराज आमाडारे और अजय तिड़के सहित 11 सहयोगों को गिरफ्तार किया है। हालांकि इस मामले में अजय तिड़के का भाई महेश तिड़के और हेमराज आमाडारे के साथी धनराज आमाडारे और कुंदन यादव फरार हैं, जिनकी पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है। पुलिस ने 10 करोड़ रुपए की राशि के साथ ही 16 मोबाइल और 3 वाहन भी बरामद किए हैं। पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ ने बताया कि राशि दोगुने के मामले में जिस भी निवेशी को पैसे लगे हैं उन्हें घबराने की या चिंता करने की कोई बात नहीं है। सभी निवेशी के पैसे वापस कराए जाएंगे, जिसके लिए लांजी और किरनापुर थाने में इस मामले में हेल्प डेस्क खोली जाएगी, जहां निवेश शिकायत के साथ अपनी जमा राशि की जानकारी दे सकते हैं। इन्होंने निवेशकों से अपील की है कि वह अपनी राशि पाने के लिए संबंधित थाना पहुंचकर अपनी शिकायत दर्ज करें।